अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मामले में गिरफ्तार आरोपी के पास से मिले सोरन के बैंकिंग दस्तावेज। सोरन के मंत्री के मुताबिक आज हेमंत सोरेन ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। मिशन हिमाचल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चंबा और ऊना में करेंगे जनसभा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भूपेंद्र यादव का पंजाब सरकार पर बड़ा हमला। कहा पिछले एक साल में जहां पंजाब में पराली जलाने के मामले 19% बढ़े, वहीं इस दौरान हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में करीब 31% की कमी आई। वहां हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को दबाने के काम में लगाया गया है। जो हिजाब पर कानून का विरोध करने वाली महसा अमीन